अस्सलामुअलैकुम, मैं आज बनाने लगी हूँ क्रिस्पी विंग्स, ठीक है। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो जी मेरे पास आधा किलो जितनी चिकन की विंग्स हैं, अच्छा जी 2 कप जितना दूध है, ठीक है। ये है सिंपल दूध, हम इसे बटर मिल्क बना देंगे। बटर मिल्क मतलब कि वैसे तो बाज़ार से मिलता है, हम इसे घर पर भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने 2 टेबल स्पून जितना मैं नमक डाल दूँगी और 4 टेबल स्पून जितना मैं सिरका डाल दूँगी। सिरका डाल के ये दोनों चीज़ें डाल के थोड़ी दिन के लिए रख दूँगी तो ये दूध मतलब कि फिट जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, तो ये बटर मिल्क बन जाएगा, ठीक है। ये मैं सिरका डाल रही हूँ इसमें, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना था, और ये मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जितने, और ये दूध जो है 2 कप जितना दूध है, ठीक है। ये चीज़ें डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए रहने दूँगी और फिर मैं इसको मिक्स करके ना, जैसे इसमें फिटकड़ियाँ सी बनेंगी ना, तो मैं इसमें चिकन विंग्स डाल दूँगी। जी ये दूध हो गया तैयार बिल्कुल, मैं अब ना इसमें चिकन विंग्स डाल दूँगी और इसे मैं 3-4 मिनटों के लिए ऐसे रख दूँगी, ठीक है। और इसे कवर करके ना हम 3-4 मिनटों के लिए रख देंगे। जी ये हमने डाल के रख दिए हैं और इनको डिप करके अच्छे से रख देंगे हम कवर करके किसी भी चीज़ के साथ 4 से 5 घंटों के लिए, फिर हम इनको निकाल के ना फिर आगे इनको। जी ये विंग्स मैंने इसमें डिप करके रख दिए। अच्छा मैं ये बताना चाह रही थी, अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 लेमन का जूस आप इसमें डाल देंगे तो इसका भी वही रिजल्ट आएगा जो सिरका डालने से आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको कवर करके ना किसी चीज़ के साथ 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। गर्मी तो आप फ्रिज में रखते हैं, अभी तो मौसम अच्छा है तो हम इसे बाहर ही ऐसे छोड़ देंगे। जी ये 3-4 घंटों से मुसलसल दूध में पड़े हुए हैं, बटर मिल्क में पड़े हुए। अब हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें छान के ऐसे निकालेंगे एक प्लेट में अलग से, ठीक है। ये मेरे पास आधा कप कॉर्नफ्लावर और 1 कप है मैदा, मैं इन दोनों को कर दूँगी मिक्स। उसके अलावा मेरे पास है 1/2 टीस्पून जितना नमक, 1/2 टीस्पून जितनी कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जितनी वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून जितनी ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून जितना चिकन पाउडर। इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। ये मैं यहाँ से उठाऊँगी विंग, ये मैं इसमें रखूँगी और इसको अच्छे से कर दूँगी कोट, ठीक है। इसे अच्छे से कोट करने के बाद मैं इसे उठा के ना ऐसे पानी में डाल दूँगी। कोट करने के बाद इसे पानी में डिप किया थोड़ी देर के लिए, फिर निकाला और फिर इसी के साथ इसी मैदे वाले बैटर में इसको मैं रख के इसको मैं अच्छे से कर दूँगी कोट, ठीक है। और फिर मैं इसे एक खुश प्लेट में रख दूँगी इसी तरह से, ठीक है। मैं सारी इसी तरह से बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे विंग्स हो गए तैयार, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं ऑयल गर्म करना रख दूँगी और फिर उसमें मैं इनको डीप फ्राई करती जाऊँगी। जी ये ऑयल हो रहा है गर्म, जैसे ये होगा इसमें हल्के हल्के बबल आना शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें अपनी विंग्स डाल देंगे। और हमने इन्हें स्लो उसमें आँच पे पकाना है क्योंकि ये हमारा गोश्त कच्चा है अंदर से, ठीक है। इसीलिए फुल आग पे पकाएंगे तो हम ये ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, ठीक है। जी ये ऑयल में बबल आना शुरू हो गए हैं तो हम एक एक करके अपनी विंग्स इस पर डाल देते हैं। सारी विंग्स इसमें डाल दिए हैं और ये पक रही हैं हल्की आंच पे, ठीक है। हम थोड़ी देर के बाद इसे हिलाएंगे नहीं, थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड चेंज करके देखेंगे। हल्की आंच पे ये पक रहे हैं, हम इनकी साइड चेंज करके देखते हैं सबकी। जी इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया हल्का हल्का सा, तो हम ये थोड़ी देर के लिए और पकने लगे। ये हमारे विंग्स हो गए तकरीबन तैयार, लेकिन हम इन्हें 2 से 3 मिनट तक और भी कुक होने देंगे ताकि इनका बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, इनकी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। ये इन्हें पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए, इनका बड़ा ही नाइस गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसे डिश आउट कर देते हैं। ये मज़ेदार से क्रिस्पी विंग्स हो गए बिल्कुल तैयार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।